कैसे हो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे हॉबीज़ जो आपको स्मार्टर बनाएंगी साइंटिफिकल तरीके से। कई साइंटिफिकल रिसर्च के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हम अपने दिमाग के फंक्शन को कई हैबिट्स के द्वारा या कई नई चीज़ें सीखने के द्वारा हम बदल सकते हैं। कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक, आई विल बी शेयरिंग यू फोर थिंग्स और फोर हॉबीज दैट विल मेक यू स्मार्टर अकॉर्डिंग टू साइंस। पहली हॉबी है प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको भी क्रिएटिव और स्मार्ट बनना है तो गिटार या पियानो या ऐसे किसी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं। इस साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब आप किसी भी प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वो आपको मूड को अच्छा बनाता है, साथ ही साथ आपके कई स्किल्स को बूस्टअप करता है और आपकी मेमोरी को बूस्टअप करता है, आपके लर्निंग स्किल को बूस्टअप करता है, जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाता है। इस प्रकार के कई फायदे हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के द्वारा हो सकते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है बी फिजिकली एक्टिव। तो इसमें आपको बंदर नहीं बनना है या जिम में जाकर लोहे की चुंबी नहीं लेना है। हर दिन 20 या 30 मिनट एक्सरसाइज करना हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। कई बार हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, कई कामों को लेकर हम बहुत बार सोफे में या बेड पे लंबे समय तक हम बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप दिन में 20 या 30 मिनट भी चलते हैं या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके माइंड को बहुत सारा फायदा हो सकता है। कई रिसर्च में भी पाया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज के कारण हम अपने कोशिकाओं का कनेक्शन अच्छा कर सकते हैं और दूसरी बात, हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और हम कंसंट्रेशन अच्छे से कर पाते हैं, हम कुछ सीख अच्छे से पाते हैं। इस पिक्चर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ब्रेन की एक्टिविटी, एक इंसान अगर 20 मिनट तक एक ही जगह चुपचाप बैठा रहे तो उसकी ब्रेन एक्टिविटी कैसी होगी, और दूसरे साइड में हम देखते हैं कि एक इंसान जो एक्सरसाइज करेगा या वॉकिंग करता है 20 मिनट तो उसके ब्रेन की एक्टिविटी कैसी हो जाती है। और अपना तीसरा पॉइंट है लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। साइंटिफिकल रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग फॉरेन लैंग्वेज बोल पाते हैं उन लोगों के ब्रेन में एक नया एरिया डेवलप होता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, और वैसे लोग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे होते हैं और पजल सॉल्विंग में अच्छे होते हैं। इन लोगों की सुनने की क्षमता अच्छी होती है और कहीं पे भी अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अपना फोर्थ और लास्ट पॉइंट है रीडिंग। किसी भी प्रकार की बुक्स पढ़ना या इन्फॉर्मेशन पढ़ना अपने ही आप में एक स्मार्ट एक्टिविटी है जो आपको और भी इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनाती है। रीडिंग के कारण आप बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ आप अपने ब्रेन सेल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। तो रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आज के लिए बस इतना। अगर आपको इस प्रकार के वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।